अक्षय ने कहा है कंप्लीटेड, दैट इज नाइस। सुभाष ने कंप्लीट कर दिया है। वाणी अग्रवाल, सरोज सिंह, अभय सिंह, हरीश, कंप्लीटेड कंप्लीटेड, पायल कंप्लीटेड, शिवा, सरोज, जानकी। 2 मिनट्स आर लेफ्ट। कंप्लीट नहीं भी किया तो यू कैन ट्राई टू राइट दी कंक्लूजन और समथिंग। बॉडी में ज्यादा आपने टाइम वेस्ट किया हो तो। हर्षवर्धन हैज कंप्लीटेड, अंकेश हैज कंप्लीटेड, अमीन तड़वी हैज कंप्लीटेड इन मराठी, दैट इज अ गुड थिंग। अभिषेक, परिमल, रिजवी, चिरा कंप्लीटेड। यस इंदर सोहेल, जब टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी आई विल गिव यू दी करेक्ट आंसर ऑल्सो। यश रावत हैज कंप्लीटेड, शार्दुल सेज ही हैज कंप्लीटेड। नेहा, अभी भी 1 मिनट तो बाकी है, आप कुछ तो लिख सकते थे। भूषण हैज कंप्लीटेड इन 2 पेजेस, प्रिया वर्मा नॉट एबल टू आर्टिकुलेट, मयूर सिंह डन, देविका खन्ना डन, थर्टी सेकेंड्स। जितेंद्र कंप्लीटेड बट ओनली इन 1 पेज। वैशाली सिंह, हाउ टू स्ट्रक्चर, वी विल सी दी मॉडल आंसर अभी। मयंक सक्सेना ट्राइड बट ही कुड नॉट टेक दी वर्ड लिमिट 10। ओके प्लीज स्टॉप, नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, व्हाट एवर यू हैव रिटन, हम लोग अब कुछ कोशिश करते हैं इसका एक मॉडल आंसर तैयार करने की, हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कोई भी प्रश्न हो, 250 वर्ड से मतलब इंट्रोडक्शन चाहिए, बॉडी चाहिए, कंक्लूजन, आइडियली ऑल थ्री स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड बिफोर बिकॉज इट इज 250 वर्ड्स। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू डिफाइन दिस क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ऑल्टरनेटिवली वी कैन ट्राई टू गिव सम टाइप ऑफ ओरिजिन की ये चीज़ बनती कैसी है, कहाँ से आई है हम, और फिर धीरे धीरे बॉडी में आप बात करेंगे कि बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि विनाश की परिस्थिति का निर्माण भी हो सकता है और रामबाण भी हो सकती है। सो ऑल्टरनेट वे ऑफ सेइंग इज कि कुछ पॉजिटिव डायमेंशन भी है, कुछ नेगेटिव डायमेंशन भी है, तो उसके बारे में बॉडी 1 बॉडी 2 में हमने लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट विद दी इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में वी कैन डिफाइन दी क्रिप्टो करेंसी और वी कैन गिव दी ओरिजिन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसमें कोई डेफिनेशन रट के जानी नहीं है, डोंट हैव टू मग अप एनीथिंग, सिंपली व्हाट एवर यू हैव अंडरस्टूड वो ही जाके लिखना है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इट इज अ डिजिटल करेंसी, इट इज क्रिएटेड एंड स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिटकॉइन, डिजी कॉइन, लाइट कॉइन आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टो करेंसी। और साथ ही साथ वर्ड लिमिट बनाने के लिए आप कुछ ओरिजिन भी दे सकते हैं, हाउ टू गेट दिस टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। यूजुअली देर आर 3 वेज टू ऑब्टेन द क्रिप्टो करेंसी, हमने अभी पढ़ा। माइनिंग कर सकते हैं यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक कंप्यूटर, हम लोग परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अ माइनर यूजिंग सम लीगल टेंडर, ठीक है, या फिर हम जैसे कोई माइनर को कोई गुड्स एंड सर्विसेज देकर वो चीज़ बिटकॉइन खरीद सकते हैं, उसे एज अ पेमेंट हम ले सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ से आप इसको ऑब्टेन करोगे। नाउ ऑफकोर्स सेम थिंग आई वुड सजेस्ट कि आप हमारा जो हैंड आउट, एंड आई थिंक इट इज पेज नंबर 11, वहां पर ये चीज़ों को आप फिलअप कर दीजिए। डेफिनेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी के लिए मैंने स्पेस छोड़ा था, तो डेफिनेशन कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, जो हमने समझा वही लिखना है। क्या, इट इज अ डिजिटल वर्चुअल करेंसी क्रिएटेड एंड स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और उसके बाद ओरिजिन में और आप बोल सकते थे, तो वो चीजें नीचे लिखनी है, देर आर 3 वेज टू ऑब्टेन क्रिप्टो करेंसी, यहां पर यहां पर यहां पर लिख दो, राइट। माइनिंग यूजिंग पावरफुल कंप्यूटर, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू माइनर यूजिंग क्रिप्टो हु इज ऑलरेडी हैविंग क्रिप्टो करेंसी, एंड थर्ड इज एक्सचेंजिंग लीगल टेंडर्स टू बाय क्रिप्टो करेंसी।
शीलन आप चाहे तो जो मैंने आपको गूगल फॉर्म बनाया bit.ly@mroofakban वहां पर आप क्वेश्चन डेफिनेटली आई विल एड्रेस इट। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो मैंने एड्रेस नहीं किया है, वो गूगल फॉर्म में आया हो। यस सो प्लीज अभी के लिए तो पेज 11 पर ये चीजें आप लिख दो। एक और चीज बाकी थी लिखना, वो यहां पर आपने लिखनी है bitcoin 1 BTC इक्वल्स क्या 10^8 सतोशी द स्मॉलेस्ट यूनी। सो जानकी एंड अदर्स गीकी एस्पायरेंट आई हैव टोल्ड दी अनअकैडमी टीम की ऐसी कोई मैकेनिज्म बनाई जाए कि जहां पर ये क्वेश्चन आंसर शेयरिंग एंड इवेल्युएशन हो सके। दे आर वर्किंग ऑन इट, बट वो तो लॉन्ग टर्म वाली बात है। आई होप प्रताप एंड अदर्स आपने अपडेट कर दिया है ये चीज, नहीं किया तो कोई नहीं, बाद में पावर पॉइंट भी अपलोड होगा तब अपडेट करना। सो वन थिंग वी हैव लर्न, द इंट्रोडक्शन पार्ट इज ओवर। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, ओके ऐसे बनता है, हाउ टू ऑब्टेन इट वो भी थोड़ा हमने लिख दिया। सो इंट्रोडक्शन कैन बी मेड लाइक दिस, डेफिनेशन दिया, ओरिजिन दिया। नाउ पार्ट वन ऑफ द बॉडी इज क्रिप्टो करेंसीज कैन ओपन पेंडोराज बॉक्स, विनाश की परिस्थिति का निर्माण। सो बेसिकली इट इज सेइंग दे आर डेंजरस। सो बॉडी पार्ट वन के अंदर हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिख सकते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट अगर आप सोचना शुरू करें, टैक्स इवेजन इलीगल यूज होता है, सो एनोनिमिटी का प्रॉब्लम जिसके चलते ये होता है। सेकंड इज स्पेकुलेशन, कैसे भारत के अंदर वी डू नॉट हैव 100% डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। कोई भी आदमी कुछ फेक न्यूज चला दे और लोग उसमें इन्वेस्ट कर दे, देर इज अ डेंजर। सो ऑनलाइन बिटकॉइन परचेज, उसमें पॉन्जी स्कैम चलते हैं, वो हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर जिसके चलते प्राइस क्रैश हो सकते हैं, और ऐसी कोई भी चीज हो, अल्टीमेटली कोई भी स्कैम हुआ तो इरोजन ऑफ हार्ड अर्न सेविंग, बिकॉज दिस थिंग डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू, इट इज मेयरली अ डिजिटल वर्चुअल कॉइन, राइट? कोई सोना तो है नहीं कि आप जाके फिर बेच सकते हो, इट डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू, सो देयरफॉर इट इज डेंजरस। एंड लास्ट यू कैन राइट अबाउट द एनवायरमेंट एंड ई वेस्टेज एंगल, वो भी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी ई वेस्ट कैसे हो सकता है। यू कैन इवन थिंक मोर, और बोल सकते हो डिजिटल डिवाइड भारत के अंदर है। तो अगर डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है दैट रूरल पीपल दे डू नॉट हैव दिस मोबाइल एंड इंटरनेट एंड अदर थिंग्स, नाउ अर्बन इंडियंस आर परचेजिंग मोर पावरफुल लैपटॉप्स एंड पीसी एंड अदर थिंग्स एंड दे आर ड्राइविंग अप द प्राइजेस। मैंने आपको बताया कैसे ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस 2 से 4 गुने हो गए। ऐसा अगर हो रहा है, इट इज अल्टीमेटली क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स कि गरीब आदमी कुछ खरीद नहीं सकता। सो दीज आर द एंगल्स। अब यहां पर भी लॉजिकल स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट यू कैन नॉट राइट कि एनवायरनमेंट को वो नुकसान करता है, इट इज अ वैलिड पॉइंट, बट फर्स्ट पॉइंट कौन सा होना चाहिए जो सबसे ज्यादा खतरनाक है? टैक्स इवेजन, टेरर फाइनेंस, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज डेंजरस। फिर आगे बढ़ो, पॉन्जी, एनवायरनमेंट और ई वेस्ट होता है, दैट इज अ रिलेटिवली लो प्रायोरिटी ऑर्डर। तो लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऐसे करना चाहिए। सो दैट वॉज बॉडी पार्ट वन। इतना और इससे भी कम लिखो तो चलेगा, बिकॉज 250 वर्ड्स में वो हम पूरा ज्ञान तो उलेच नहीं सकते। बॉडी पार्ट टू, वहां पर बोला गया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ पेनेसिया। पेनेसिया मतलब रामबाण इलाज हो सकती है फॉर द एरियाज ऑफ इकोनॉमी एंड फॉर द एरियाज ऑफ गवर्नेंस। तो थोड़ा इकोनॉमी के बारे में लिख सकते हो, थोड़ा गवर्नेंस के बारे में लिख सकते हो। तो सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप डिफाइन करेंगे, तो मैंने आपको डेफिनेशन पहले भी हैंडआउट में भी दिया है कि वो क्या एक प्रकार का डिजिटल लेजर है, सिक्योर है, डिसेंट्रलाइज है, इकोनॉमिक है। यू कैन राइट सम सेलियंट फीचर्स और उसकी मदद से अच्छा काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपकी इमेजिनेशन पे, आप और बहुत सारी चीजें यहाँ पर कोट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्ट ऑटोमेटेड कॉन्टैक्ट्स, जैसे कि आप कोई बस या ट्रेन में चढ़ गए और अपने आप वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाली कोई ऐप है जो आपके पे फियाट मनी, लीगल टेंडर, रुपी और डॉलर, वो टिकट का पैसा अपने आप पे कर दे बेस्ड ऑन GPS कोऑर्डिनेट्स एंड सो मेनी थिंग। तो ये सब ऐसे इस टाइप ऑफ कंटेंट आप सोच के कुछ लिख सकते हो। अदरवाइज सिंपली यू कैन राइट कि डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक है, ट्रांजेक्शन सिक्योर करता है वगैरह। वॉट अबाउट द गवर्नेंस? गवर्नेंस मतलब कुछ अच्छा काम हो सके सरकार के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, UID आधार कार्ड के साथ लिंक कर दो तो आपकी फैमिली, आपके लैंड, व्हीकल ओनरशिप, सारा रिकॉर्ड आप ब्लॉकचेन एक्सेल की कोई फाइल बना के उसमें बना सकते हो। देन इट बिकम्स मोर इजियर फॉर टैक्स एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन। और ऐसी प्रकार के व्हीकल और पीपल का ट्रैकिंग वो भी चलता रहे। बैकएंड में तो UID और GPS ट्रैकर हो, बट ये पूरा एक्सेल में जो डेटाबेस बने, दैट कुड बी लाइक अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो पेंडेमिक डिजीज में कौन आदमी कहाँ से गया, इबोला या सार्स वायरस का लेकर, राइट? डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बिकम मोर एफिशिएंट। देन जियो टैगिंग ऑफ द एसेट्स, अगर ये PDS फूड ग्रेन सरकार भेजती है तो वो ट्रक के ऊपर कुछ GPS ट्रैकर और सेंसर लगा दिए जाएं कि इतना वजन वहां पर था, अल्टीमेट जगह पर पहुंचा तो उसका वजन कम हो गया, दिस वॉज द ट्रैक। तो टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सब्सिडीज एंड अदर कंज्यूमेबल्स, तो ये सब गवर्नेंस के एरिया धीरे धीरे आप सोचेंगे आपको मिल सकता है। जियो टैगिंग विवेक राजा, उसका मतलब ये होता है कि कुछ आप माइक्रोचिप फिट कर दो व्हीकल में और
किसी जगह पर एंड देन यू कैन ट्रैक द मूवमेंट. सो लाइक दैट यू कैन राइट सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव पार्ट्स ऑफ द थिंग्स. क्रिप्टो करेंसी बाय डिफॉल्ट इट कुड लुक बैड, बट उसकी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिससे ये चीज चलती है वो तो अपना पूरा अच्छा डेटाबेस बना सकता है. एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन इज ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज इट वॉज 250 वर्ड्स आंसर. तो बस कंक्लूजन में क्या करोगे, कंक्लूड करना है. बॉडी वन में हमने जो डेंजर लिखे, बॉडी टू में जो अपॉर्चुनिटीज बताई, पॉजिटिव बताए, उसको कंबाइन आप करिए. क्रिप्टो करेंसीज एनोनिमिटी वॉलेटिलिटी एनर्जी इंटेंसिव नेट्स, उसके चलते इट मेक्स इट अनसुटेबल फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट. लेकिन उसकी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इट हैज स्पीड रिलायंस ट्रांसपेरेंसी कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन डेटा मैनेजमेंट, और उसके चलते इकोनॉमी गवर्नेंस में बहुत सारा काम हो सकता है. ऑफ कोर्स इतने सारे विशेषण एडजेक्टिव्स यू कैन नॉट यूज इन रियल लाइफ एग्जाम बिकॉज यू हैव सो मच स्ट्रेस एंड टाइम लिमिट, बट वॉट एवर ऑन दिस लाइन्स कि क्रिप्टो करेंसीज आर डेंजरस बिकॉज ऑफ एनोनिमिटी टैक्स इवेजन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज गुड बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन डेटा मैनेजमेंट. एंड फॉर दिस रीजन यू कैन इवन एड दैट आरबीआई एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री दे आर एप्रीहेंसिव ऑफ द फॉर्मर. फॉर्मर मतलब क्या, पहले वाला. क्रिप्टो करेंसी से वो लोग डरते हैं, वेर एज दे आर एप्रिशिएटिव ऑफ द लेटर. मतलब उनको पसंद है क्या चीज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. दे आर सेइंग वी विल यूज दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर प्रमोटिंग थिंग्स. एंड टेक्निकल डिटेल्स नो दे आर नॉट इंपॉर्टेंट. वन बिटकॉइन इज 10^8 दिस थिंग, या हैश रेट में मेजर करते हैं वगैरह वगैरह, ये चीज है. सो हैंडआउट नंबर वन, जहां पर हमने ये कमोडिटी मनी, मेटालिक, पेपर मनी, बी मैप, बैंक मनी, क्रिप्टो करेंसी, ये सब कुछ पढ़ लिया. सो इन अवर फर्स्ट पिलर ऑफ इकोनॉमी, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, जो फर्स्ट चीज थी, मनी, बिटकॉइन, वो सब खत्म हुआ. नाउ वी विल मूव टू द सेकंड हैंडआउट, दैट इज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, उसका सीआरआर, एसएलआर और वो सारी चीजें. अब वहां पर आगे बढ़ेंगे. सो फॉर दिस आई थिंक आई हैव टू अपलोड सम फाइल. या जस्ट अ मिनट, अब ये क्या है, मैं नया टॉपिक आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसका पावर पॉइंट अपलोड हो रहा है. सो देर विल बी सम वो लैगिंग होगा, तो 1-2 मिनट हम रुकते हैं, ये अपलोड हो जाए, फिर हम इसको पढ़ते हैं. ये तो हमने पढ़ा.
Yes. यस फ्रेंड्स, नाउ आई हैव अपलोडेड द सेकंड पीडीएफ जहां पर हम ये सीआरआर एसएलआर ये पढ़ने वाले हैं. सो माय क्वेश्चन टू यू इज, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है चीज, मैंने इसको अंडरलाइन किया सीआरआर एसएलआर, कैन यू सी द पीडीएफ? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन आर सेइंग यस, सम पीपल आर सेइंग नो. मे बी थोड़ा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सर्वर इज हैविंग सम थिंग्स लाइक दिस. आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, आई विल वेट. कृति, शिवा एंड अदर्स आर सेइंग, या पावर पॉइंट पे आपको ये दिख रहा है जो सीआरआर एसएलआर के मैंने अंडरलाइन किया है, आई एम आस्किंग दैट. यू कैन ट्राई टू रिफ्रेश इफ यू वॉन्ट. जिनको ये नहीं दिख रहा है, आई वुड सजेस्ट कि आप पेज रिफ्रेश करिए. I will wait for one more minute and then I will start. Yes, Saurav, I underline something. You can see visible, yes. Visible, visible, visible. After 30 seconds, I will start. सुमित पांडा, लास्ट ईयर का सर्वे रेलेवेंट है कि नहीं? सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर एंड थीम्स आर रेलेवेंट, तो वो तो जब हम पढ़ेंगे तो साथ में सब मैं कवर कर ही दूंगा. ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ. या सो वी आर इन द फर्स्ट पिलर, मनी बैंकिंग फाइनेंस, मनी टू बिटकॉइन कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल मूव टूवर्ड दिस आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी, सीआरआर एसएलआर एंड वो ये सब चीजें. बट उससे पहले थोड़ा विषय परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर थीम ऑफ क्लासेस समझते हैं. देर वॉज एन इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स. Now this John Maynard Keynes, he came up with some ideas. He said that suppose economy is working at full employment. Full employment का मतलब है जो भी आदमी काम करना चाहता है, he has some type of work. We will ignore the voluntary unemployment. For example, Abhishek Bachchan who does not want to do any films. We will also ignore frictional unemployment. For example, आपने एक नौकरी छोड़ के 2-3 साल के लिए आप, or for some 2-3 months you are going somewhere else and trying for new job. Something like that we will ignore. Rest of the people who want to work are willing, they are getting some jobs. So at that time, when economy is working at full employment, whatever is produced by the total firms, chahe wo pyaaz, tamatar, gaadi, ghoda, jo bhi produce hua hai, that we will call aggregate supply. Aur samne jo bhi log usko khareed rahe, that we will call aggregate demand. And when economy is working like this, there is an equilibrium or jo bhi price level set hua, suppose 1 kilogram of onions will sell at 100 rupees, then we will say this is general price level. Now, ये general price level में कुछ up down हो सकता है, accordingly we say inflation हुआ, deflation हुआ, ये क्या है? ये जो हमने यहाँ पर बात करी, this aggregate demand, उसके कुछ components होते हैं. Aggregate demands के 4 components वैसे बताए जाते हैं, consumption, investment, government, purchase and net export. अब ये क्या है, हम लोग आराम से ये bifurcation पढ़ेंगे when we go for GDP, जो फोर्थ पिलर में पढ़ेंगे. अभी तो जरा ऊपर ऊपर से इसे समझते हैं कि एक तरफ से लोग खरीदी कर रहे हैं, सम इज फॉर कंजम्पशन, प्याज टमाटर एंड अदर थिंग्स. सम इज फॉर इन्वेस्टमेंट लाइक बाइक, बुलडोजर्स एंड फैक्ट्री मशीन्स एंड रोलर, थिंग्स लाइक दैट. गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग सम परचेज. इफ यू आर प्रोवाइडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस एज एन IAS ऑफिसर, तो सरकार आपको सैलरी दे रही है. व्हाट इज दैट? दैट इज गवर्नमेंट्स परचेज, राइट? एंड लास्टली नेट एक्सपोर्ट, मतलब जो हमने एक्सपोर्ट किया और सामने हमने जो इंपोर्ट किया उसका जो डिफरेंस निकला, व्हाट इज द नेट आउटपुट ऑफ दैट एक्सपोर्ट. सो दोज थिंग्स, सो कलेक्टिवली दिस इज नोन एज द एग्रीगेट डिमांड.
अभी के लिए ये प्राइस सेट हो गया जनरल प्राइस लेवल, वी आर सेइंग 100 रुपीज 1 किलो ऑफ ऑनियन। नाउ फॉर सम रीजंस ये डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ सकती है। ये जो हमारा प्राइस लेवल यहाँ था, अब देखिए सप्लाई तो इतनी ही है बट देर इज अ स्लाइटली बिगर डिमांड साइड नाउ। ऐसा क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी इज वर्किंग एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, तो फर्म्स कैन नॉट इंक्रीज देयर आउटपुट बिकॉज जितने लोग जो काम कर सकते हैं उतना पैदा मजूरी करके उन्होंने ये प्याज बनाया है, सो दे कैन नॉट इंक्रीज दिस सप्लाई। ऑन दी अदर साइड दिस डिमांड हैज इंक्रीज फॉर सम रीजन, देर कुड बी मेनी रीजन फॉर दिस। सपोज भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, वी आर सेंडिंग मोर ऑनियंस, टी, स्पाइसिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द डिमांड हैज इंक्रीज बट द सप्लाई हैज नॉट कंसिस्टेंटली इंक्रीज। मे बी गवर्नमेंट इज मेकिंग मोर परचेज, फॉर एग्जाम्पल सेवन पे कमीशन बोल के ISIPS ऑफिसर्स को ज्यादा सैलरी दे गया, मनरेगा बोल के ये मजदूरों को ज्यादा पैसा दे दिया, सो नाउ पीपल हैव गॉट मोर मनी सो दे विल बी कंज्यूमिंग मोर, सो अगेन ये डिमांड का थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट, सप्लाई तो उतना ही है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट मे बी इट हैज इंक्रीज, फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लोगों ने IPO से या लोन लेके कुछ नए फैक्ट्रीज बनाए हैं, न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, जॉब्स मिले लोगों को, देन दे हैव गॉट सैलरी, दे आर ऑल्सो मेकिंग सम मोर परचेज। सिमिलरली ये सब के चलते कंजम्पशन बढ़ा होगा, राइट, तो ये सप्लाई के सामने डिमांड थोड़ी बड़ी रखती है। ऐसा भी हो सकता है मे बी सरकार ने कोई यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI बोल के दे हैव गिवन मनी टू पीपल कि 10-10 हज़ार रुपये आप हर एक आदमी ले लो। अब ऐसा जब भी होगा देन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल इंक्रीज, लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे क्योंकि उनके पास में पैसा ज़्यादा है, ये पैसा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, सो द सप्लाई हैज़ नॉट इंक्रीज बट द डिमांड इज स्लाइटली इंक्रीज। ऐसा जब भी होगा तो क्या होगा, महंगाई होगी बिकॉज देर आर मोर पीपल हु आर विलिंग टू बाय द थिंग्स कंपेयर टू द अवेलेबल आइटम्स। तो इस केस में हो सकता है कि जो प्याज की ओरिजिनल कीमत थी 100 रुपीज पर 1 किलो, नाउ इट कुड हैव इंक्रीज टू 120 रुपीज पर किलो। सो सप्लाई सेम, डिमांड मोर, देन प्राइस राइज वॉज इनएविटेबल। ऐसी परिस्थिति में हम लोग हाउ कैन वी डिक्रीज दिस टाइप ऑफ थिंग, हाउ कैन वी रिस्टोर द प्राइस बैलेंस। एक तो काम कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द सप्लाई, गवर्नमेंट कुड इन्वेंट सम टाइप ऑफ BT ऑनियंस एंड गिव सम टाइप ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडीज एंड अदर थिंग्स, बट आवर प्रेजेंट टॉपिक इज कि RBI क्या कर सकती है। RBI कैन नॉट मेक मोर ऑनियंस, RBI तो इतना कर सकती है इस साइड पे ये जो इंक्रीज डिमांड है उसको कर्ब करने के लिए, लोगों के हाथ से पैसा निकाल ले, यूजिंग सम टैक्टिक इफ दे रिड्यूस दिस मनी अवेलेबल फॉर परचेजेस देन अगेन वी कैन कम अप एट द सेम इक्विलिब्रियम। पहले जो इक्विलिब्रियम था इधर एक ही हाथ में एक ही नोट थी और जो 100 रुपये में चीज बिक रही थी, सो दैट मीन्स दिस एक्स्ट्रा 3 नोट्स आई हैव टू रिमूव, मीन्स RBI हैज टू रिमूव एंड देन वी विल बी अगेन बैक टू द सेम जनरल प्राइस लेवल। सो दिस इज द कंसेप्ट, टू फाइट द इन्फ्लेशन RBI मस्ट रिड्यूस द मनी सप्लाई। वो कैसे ऐसा करेगी, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। उसके अलग अलग टूल्स होते हैं, CRR, SLR, रेपो, मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बहुत सारी चीजें एक एक करके हम देखेंगे। बट बिफोर वी ड्वेल इन टू दिस थिंग्स, बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन अ बेटर मैनर, हमने ये समझना पड़ेगा कि मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। क्योंकि अगर पैसे की क्वांटिटी, सबसे पहले ये आपको पता चला कि 4 नोट हैं, आई हैव टू रिड्यूस दिस 3 नोट्स, ओनली देन यू कैन फाइंड द इन्फ्लेशन, राइट। सो देयरफॉर वी विल लर्न टू मेजर द मनी सप्लाई, M0, M1, M2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। नाउ दिस इन्फ्लेशन, GDP, एग्रीगेट डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, ये वापस हम लोग पढ़ेंगे इन द फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो उस वक्त फिर से हम देखेंगे। सो डू नॉट वरी इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड हाउ दिस थिंग्स वेंट। बेसिकली यू कैन विजुलाइज कि जनता के हाथ में ज्यादा पैसा आ गया एंड देयरफॉर दे डिमांडेड मोर थिंग्स बट द सप्लाई वॉज नॉट एडिक्वेट और इन्फ्लेशन आ गया। सरकार भी कुछ कर सकती थी, टैक्स सब्सिडी लगा के इन्फ्लेशन लड़ सकती थी, दोज थिंग्स वी विल स्टडी इन द बजट। प्रेजेंटली अवर फोकस इज RBI, वो मनी सप्लाई को काबू में करके इन्फ्लेशन से कैसे लड़े। बट बिफोर दैट वी हैव टू मेजर द मनी सप्लाई, ओनली देन वी कैन लर्न कि ये ऐसे काउंटर में इसको कैसे करूं। यस, सो वी विल लर्न सम कॉन्सेप्ट्स अबाउट मनी इन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेक्चर। पहला ही लेक्चर मैंने आपको बताया था मनी के दो फंक्शन होते हैं, इट इज मेजर ऑफ वैल्यू, इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू, तो आपने जो भी काम किया, सपोज यू हैव प्रोवाइडेड लेबर, यू हैव ऑब्टेन द मनी, सो देन पीपल कुड स्टोर दिस टाइप ऑफ मनी, द वैल्यू ऑफ देयर लेबर, तो वो बैंक अकाउंट में, गोल्ड में जाके स्टोर क्यों नहीं करते। लोग अपने हाथ में कुछ कैश रखना पसंद करते हैं, सो वाई देर इज अ डिमांड फॉर कैश। अगेन द सेम जेंटलमैन, दैट इज जॉन मेनार्ड कीन्स,
ही रोट अ बुक जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। कुछ बार यूपीएससी में ऐसे प्रश्न निकले हैं कि ऐसे नोटेड इकोनॉमिस्ट की किताब के बारे में पूछा गया, मैच द फॉलोइंग एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन दिस एंड दैट, तो जब जब आएगा हम पढ़ते रहेंगे। सो यस यू हैव टू रिमेंबर दिस दिस इकोनॉमिस्ट मे नॉट किन्स। नाउ ही सेड दैट पीपल डिमांड कैश, दे कीप कैश इन हैंड फॉर थ्री रीजन्स। पहला ऑब्जेक्टिव होता है ट्रांजेक्शन मोटिव, व्यवहार सम व्यवहार करने के लिए, मेरे पास कैश होगा तभी जाके ब्रेड बटर मिल्क खरीद सकते हैं। सो आई विल नॉट डिपॉजिट ऑल ऑफ माई सैलरीज एंड मनी इन टू बैंक अकाउंट, आई विल कीप सम कैश विथ मी, फर्स्ट रीजन। सेकंड इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी मोटिव, एहतियाती रूप में, इमरजेंसी के लिए, घर में कोई बीमार हो गया, रोकड़ा मांगता है, इंपल्सिव परचेज, आप कहीं टूर पे गए, कहीं वैकेशन पे गए, इच्छा हो गई, सो यू विल कीप सम कैश विथ यू टू मेक इंपल्सिव परचेजेस। नाउ फॉर दिस रीजन्स वी प्रीफर टू कीप अवर वैल्यू, अपने लेबर की जो भी वैल्यू सैलरी मिली, विल प्रीफर टू कीप इट इन परफेक्ट लिक्विड फॉर्म। परफेक्ट लिक्विड फॉर्म क्या है? कैश इज द परफेक्ट लिक्विड फॉर्म।